गणेश जी तो अभी से यस कहते हैं। नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम मेहर मलिक है। मेहर, आप आज क्या करने वाली हैं? आई एम डूइंग इन इजिप्शियन क्लासिकल और जिसको हम कॉमनली बैली डांसिंग कहते हैं। इंटरेस्टिंग, और आप क्या करती हैं? जी मैं ट्वाइस कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, बट आई थिंक मैं डांस में इतना फोकस करती थी कि आई डोंट थिंक कुछ और मैं कर सकती हूँ। दिस इज द ओनली थिंग, दिस इज व्हाट आई कैन डू एग्जैक्टली। प्लीज स्टार्ट। मैं समझ सकती हूँ कि ये आपका पैशन है। आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। सुपर्ब, एवरी मूवमेंट वॉज एब्सोल्युटली सुपर्ब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बेली डांस को काफी देखा है, फिल्मों में भी मैंने इस्तेमाल किया है, और बेली डांस एक अपने में एक बहुत बहुत खूबसूरत कला है, बहुत टेक्निकी कला है, और बहुत मुश्किल है। आपने बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू। पहले तो कहूंगी कि आपने कमाल का बेली डांस किया। You were fabulous. Thank you so much. ये पूछना चाहूंगी, आप हिंदुस्तानी हैं? जी बिल्कुल। मैं पैदा दिल्ली में हुई थी, पर मैंने 17 साल मिडल ईस्ट में बिताए, बट इन 2006 हम दिल्ली वापस आ गए। आपके पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं? बिल्कुल नहीं, दैट्स द बेस्ट पार्ट आई थिंक। अक्सर हमारे हिंदुस्तान में बेली डांसिंग को एक ट्रेडिशनल आर्ट नहीं माना जाता। yes, और लोग उसे इस तरह से देखते हैं कि शायद ये कैबरे का फॉर्म है, इसलिए मैंने जानने के लिए ये पूछा कि इन्हें घर से कितनी इनकारी। अच्छा, तो मेहर ये प्रेजुडिस जिसको कह रहे हैं किरण जी, ये आप फेस करती हैं? बहुत। थिंग इज दैट द वे इट्स लुक्ड एट इज जस्ट एज एन एंटरटेनमेंट फॉर मेन, एंड ये सच नहीं है, क्योंकि बेली डांसिंग एक कला है जो इजिप्ट में एक माँ अपनी बेटी को देती थी सो दैट शी कुड प्रिपेयर हर वूम टू गिव बर्थ। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, ये कला है, डांस फॉर्म है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए और ऐसे प्रेजुडिसेस हिंदुस्तान में निकाल देने चाहिए। ओचेकर, हाँ या ना? मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ। किरण, एक मिल गया, दो मिलने वाले हैं, टेंशन मत लो। हाँ, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से भी हाँ। थैंक यू, यू आर ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। थैंक यू। आपकी बेली डांसिंग बहुत ही अमेजिंग है। आपकी बेलिंग, बेली का एक अपना दिमाग है, इट हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन। टेल माय स्टूडेंट्स, आई लाइक डोंट थिंक फ्रॉम हियर, थिंक फ्रॉम हियर। अरे वाह, क्या बात है। नेक्स्ट।